बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जीविका द्वारा चयनित मेंट का 3 दिवसीय शिविर आयोजित नावकोटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा भवन में मनरेगा अंतर्गत जीविका द्वारा चयनित मेंट का अभिविन्यास 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रथम चरण में 30 मेंट को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी मीनाक्षी कुमारी, तकनीकी सहायक शंभू कुमार जेई, रविश कुमार अकाउंटेंट, शिखा कुमारी जीविका परियोजना प्रबंधक, मनोरंजन कुमार और क्षेत्रीय समन्वयक प्राण पीयूष के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा की गई, वही संचालन तकनीकी सहायक ने की। प्रशिक्षण का मूल बिंदु मेट के उत्तरदायित्व के संदर्भ से संबंधित था। मेट को मनरेगा योजना के तकनीकी कार्यों के साथ साथ कार्य की गुणवत्ता पर्यवेक्षण, योजना स्थल पर NMMS से अकुशल अर्थ कुशल और कुशल मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करना, मॉडल स्थल पर मजदूरों को सुविधा उपलब्ध कराना एवं दिए गए प्रपत्र में योजना स्थल का मापी करने संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस दौरान BFT राघवेंद्र कुमार, पंचायत रोजगार सेवक शुभम राय राज, विनोद कुमार विश्वभूषण, विमलेंदु कुमार अजय, सरोज बबलू कुमार, विनोद कुमार सहित सभी प्रशिक्षणार्थी मेट उपस्थित थे। नावकोटी से नवीन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सभी दीदी भैया को नमस्कार। मेरा नाम प्राण पीयूष, क्षेत्रीय समन्वयक नावकोटी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक नावकोटी। सभी में चयनित में जीविका की तरफ से जो दीदी आई हैं, सभी को मनरेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग ये प्रोग्राम प्रशिक्षण नहीं कहना चाह रहे थे, हम लोग ये प्रोग्राम कहना चाह रहे थे ओरिएंटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक है। और अभिविन्यास शब्द का ये मतलब होता है कि कोई भी संस्था जो आपको लाई है इतने फायदे से, इतना व्यवस्था।